हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ में शेयर करने के लिए एक ऐसी जगह जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब खुश कर देगी, क्योंकि जितने भी प्लांट लवर हैं या फिर जितने भी गार्डनिंग के शौकीन हैं उनको तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगेगी ही, लेकिन जो नेचर के पास रहना चाहते हैं उनको भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा भाने वाली है, या फिर मैं कहूँ बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली है। तो आज एक जगह एक्सप्लोर करूंगी जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं। तो आज मैं आई हूं आपको लेकर के सेक्टर 33 के फ्रेग्रेंस गार्डन में, जहां पर लगा हुआ है क्रिसेंथेमम शो। जी हां, गुलदाउदी शो लगा है 2090। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और आप देख सकते हैं फूलों से सजाया गया है। इतनी सुंदर सुंदर क्यारियां बनाई गई हैं जिसमें इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं और जगह जगह चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के लोगो लगाए हुए हैं, जिससे कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस तो रहे कि भाई जगह को साफ सुथरा भी रखना है। तो यहाँ पर आपकी स्वागत के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, वेलकम टू क्रिसेंथेमम शो 2019। और उससे पहले आपको एंट्रेंस पर देखने के लिए मिलेगा द किंग ऑफ कॉमेडी सुनील ग्रोवर का अनप्लग्ड लाइव कॉमेडी शो का एक बैनर, जो कि है फ्राइडे को 27 दिसंबर को 7 बजे से टैगोर थिएटर सेक्टर 18 में। तो जितने भी सुनील ग्रोवर के फैन हैं वो ज़रूर जा कर के चेक कर सकते हैं, और ये टैगोर थिएटर में है तो इसीलिए आप जा सकते हैं और हमने एंट्री कर ली है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस पर ही ये क्रिसेंथेमम के जो फॉर्म होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म में आता है क्रिसेंथेमम, मुझे भी ये देखिए स्पून क्रिसेंथेमम है और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है क्रिसेंथेमम की। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कौन कौन से नाम वाले क्रिसेंथेमम हैं। जितने भी गार्डनिंग के शौकीन हैं ना, तो जिनको भी क्रिसेंथेमम के बारे में फुल नॉलेज चाहिए वो इस शो को ज़रूर अटेंड करें। आप देख सकते हैं एंट्रेंस पर ही ये इस तरीके से क्रिसेंथेमम के काफी सारे टावर बनाए गए हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। काफी सारी वैरायटी, काफी सारे कलर्स में, मतलब ये लगा लीजिए इसका हाइट ही मेरे ख्याल से 7-8 फुट से ज्यादा होगी, ज़्यादा ही है, 7-8 फुट तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ। इसकी हाइट जो है कम से कम 10-12 फुट तो ज़रूर होगी। आप ये देखिए बुलक कार्ड को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है क्रिसेंथेमम के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के साथ में, और ये देखिए एक बैल जैसा बनाया गया है, गाय या बैल, बैलगाड़ी टाइप की। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा येलो कलर का फुटबॉल क्रिसेंथेमम। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्रिसेंथेमम है और काफ़ी बड़ी वैरायटी में है। और आपको दिखाऊं इसके अलावा ये वाइट कलर का जो क्रिसेंथेमम है ना, ये लोगों का ध्यान अपनी ओर अचानक से ही आकर्षित करता था। जगह जगह इसके फ्लावर लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसके अलावा अभी आपने देखे कैलेंडुला, और ये है हमारा फाउंटेन जो कलरफुल है, लेकिन अभी रात नहीं हुई है तो इसलिए इसके कलर आपको नहीं देखने मिलेंगे। और ये है बैक साइड की एंट्री। तो बैक साइड की एंट्री पर आप देख सकते हैं लोगों का कितना जमावड़ा लगा हुआ है। इतनी भीड़ से ही पता चलता है कि ये जो शो है इसका लोगों को कितना इंतज़ार रहता है और कितना पॉपुलर है ये। जैसे ही हम बैक साइड की एंट्री से अगर एंटर करें तो आपको केल के पौधे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये साल्विया की एक बहुत बड़ी आपको यहाँ पे सड़क जैसी देखने को मिलेगी, साल्विया से सजी हुई। और ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ आपको, ये है एक सोलर लाइट जो कि सूरज की किरणों से चार्ज होती है और ये रात में बहुत ही ज़्यादा रोशनी देती है। बुलक कार टाइप की इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर जैसे इसके खड़ा किया गया है, हमेशा ही रहती है। तो जैसे अगर आप विंटर ब्रेक में चंडीगढ़ घूमने का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस गार्डन में ज़रूर आए। हालांकि यहाँ पर अभी एक ये शो था जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे था, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी यहाँ पे आएंगे तो आपको ये गार्डन फूलों से बहुत ज़्यादा सजा हुआ मिलेगा। हाँ, ये क्रिसेंथेमम की वैरायटी तो आपको नहीं मिलेगी, ये तो स्पेशली शो के लिए रखा गया था, लेकिन आपको फिर भी ये गार्डन ज़रूर देखना चाहिए जो भी बाहर से आ रहे हैं चंडीगढ़ घूमने के लिए विंटर ब्रेक में। तो एक बार ही मेरा कहना है कि उनको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये चंडीगढ़ का लोगो है ये इस पार्क के लिए। और एक चीज़ ये दिखाऊँ मैं आपको, ये मुझे बहुत पसंद आती है, मोर पंखी यानी कि थुजा के पौधों को, पौधे तो नहीं है ये तो पेड़ हैं, इनको कितनी खूबसूरती से कट करके बनाया गया था। और ये देखिए
मैरीगोल्ड का बगीचा, छोटा छोटा सा बगीचा बनाया है यहाँ पे। इसको देख करके अपने आप ही आंखें यहाँ पर थम जाती हैं। जितने भी प्लांट लवर हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा जगह पसंद आने वाली है। और हम भी एक ऐसी जगह पर रुक गए जो ये इतना खूबसूरत सा कटोरी नुमा मशरूम जैसा जो ट्री था, हमने भी सोचा थोड़ी सी मस्ती कर लें यहाँ पर। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ट्री की कटिंग करी हुई थी। और ये फिर आ गया फुटबॉल क्रिसेंथमम। जैसे जैसे इसके नाम हैं, काफ़ी सारी वैरायटी है, काफ़ी सारे नाम हैं, और हो सकता है मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ नाम लेने में, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है क्रिसेंथमम की, तो इसको याद कर पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने अभी आपको दिखा दूंगी कहाँ कहाँ पर किस तरीके के क्रिसेंथमम लगे। फिलहाल ये देखिए छोटी सी फेंस बनाई गई है जो कि मोर पंखी की कटिंग लगा करके बनाई गई है, और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या पूछिए। और इसके अलावा ये देखिए हैंगिंग बास्केट में उगाए गए हैं मैरीगोल्ड, और उसको लकड़ी के एक खंभे जैसा जो है उससे सजाया गया है। और आपको ये देखिए ये गाय जो दिख रही है ये बिल्कुल रियल जैसा लुक देती है, लेकिन ये रियल नहीं है, ये हमारे जैसे होता है ना, एक बहुत ही जगह ध्यान अपना सबका अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आप लोग ये सोचेंगे कि इतने सारे क्रिसेंथेमम अचानक से चंडीगढ़ में कैसे आए, तो मैं आपको बता दूँ ये अचानक से नहीं आए हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ये जो भी ग्रो किए होते हैं उनकी तरफ से ये इस शो के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायरेक्टर PGI की तरफ से आए हैं क्रिसेंथेमम, तो इन, और ये है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। तो इन सभी के जो लगाए हुए हैं बोर्ड, उससे पता चलता है कि कितने कितने लगे हैं। जैसे कि ये देखिए ये द गुरुकुल गुरु की तरफ से आए हैं, तो ये कितने सारे जिसने भी भेजे हैं उनकी तरफ से ये प्लांट्स यहाँ पर आकर के रखाए गए हैं। और इनमें से जो भी सुंदर फ्लावर्स होंगे या जो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं या जो भी कुछ स्पेशल हैं उनको प्राइस भी मिलेगा, इसीलिए ये शो रखा जाता है। तो कैश प्राइस भी होता है इसमें और सर्टिफिकेट भी मिलता है, बकायदा आपको आपका नाम अनाउंस होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पर। तो इसीलिए ये शो स्पेशली हर साल दिसंबर में रखा जाता है। तो अगर आप दिसंबर में यहाँ पर आए तो इस शो को मिस बिल्कुल भी ना करें, अगर आप प्लांट लवर हैं या फिर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं। और ये देखिए आपको देखने को मिलेंगे स्पाइडर वाले क्रिसेंथिमम, स्पाइडर क्रिसेंथिमम, बटन क्रिसेंथिमम, और ये कितने सारे गुलदाउदी हैं कि जिनका नाम भी मैं भूलती जा रही हूँ। और कलर देखिए आप क्रिसेंथिमम में आपको इतने सारे कलर्स देखने को पहली बार एक साथ मिलेंगे। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप सबके कमेंट की बहुत ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहता है। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो अब तक आपने देखा और अच्छा लग रहा है तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि बिना लाइक के मुझे थोड़ा सा वो होता है ना कि आपके लाइक्स मिलते हैं तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं और भी ज़्यादा आपके साथ में इस टाइप के वीडियो एक्सप्लोर करूं, क्योंकि ये नॉर्मल व्लॉग से थोड़ा सा अलग सा है। और मैं आपको दिखा रही हूं कि ये देखिए कितना बड़ा टावर सा बनाया गया है, जहां पे अलग अलग किस्म के, अलग अलग साइज के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग डिज़ाइन वाले क्रिसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी लगाए गए हैं। और देख करके मन इतना खुश हो जाता है ना कि बस पूछिए मत। और यहाँ पर ये इतने सारे इतने सुंदर मैरीगोल्ड हैं, ये देखिए पूरी एक सड़क जैसी बनाई हुई है मैरीगोल्ड के फूलों की। और यहाँ देखिए ये हिरन, और अब आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए ये है एग्जिबिटेड एंड वोन बाय वरिंदर शर्मा। ये जितने भी लोगों ने प्राइज जीते हैं अपने फ्लावर्स के लिए, उनके वो है प्रिंस ऑफ द शो है ये वाला प्लांट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ द शो, किंग ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो, इस टाइप से। ये देखिए किंग ऑफ द शो,
क्वीन ऑफ द शो, प्रिंस ऑफ द शो एंड प्रिंसेस ऑफ द शो। प्रिंसेस ऑफ द शो वाला जो प्लांट है वो मुझे बहुत ही सोचने को मजबूर कर रहा था कि मतलब ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। एक ही गमले के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे फूल कैसे उगाए गए हैं। ये कोई भी टेक्निक, ये देखिए कितने सारे फूल उगाए गए हैं और कितना बड़ा गमला तैयार किया गया है, इसीलिए इसको प्रिंसेस ऑफ द शो का खिताब भी मिला है और अवार्ड भी मिला है। अवार्ड और खिताब वैसे एक ही बात होती है। और आप ये देखिए कितना सुंदर है, ये फुटबॉल वाला जो क्रिसेंथेमम है वो है, ये स्पाइडर वाला है जो कुछ स्पाइडर की तरह लग रहा है ना थोड़ा सा। और एक ये देखिए, ये फूल आप देखेंगे जो किंग ऑफ द शो था, ये एक फूल इतना बड़ा था कि आपकी दोनों हथेलियां भी छोटी पड़ जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा म्यूजिक चल रहा था जो कि बैकपाइपर बैंड की तरफ से था। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी क्रिसेंथेमम की कुछ वैरायटी जिसके नाम भी लिखे हैं, सिल्विया ग्रीन और कीको गार्डन कुछ नेवी करके है, बहुत सारे नाम हैं इसके और मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। आपको ये अगर वीडियो सेव करेंगे तो आपको सभी क्रिसेंथेमम की वैरायटी और इनके नाम भी याद रहेंगे। फिश टेल करके भी है और आप देख सकते हैं स्पाइडर पिंक भी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे ना स्पाइडर के काफ़ी सारे कलर और काफ़ी सारी वैरायटी, तो ये कोका पिंक है, तो बहुत सारी वैरायटी है। इसके अलावा मैं आपको इसके फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी जो कि यहाँ पर लगाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर शो था। अगर आपने देखा है तो किस किसने देखा है, किस किसने अटेंड किया है वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में ज़रूर प्लान बनाएं यहाँ पर आने का, जिससे कि आपको यहाँ की क्रिसेंथेमम की वैरायटी ज़रूर पता चले। दिसंबर के जो है वो फर्स्ट वीक में ही लगता है हर साल ये वाला जो शो है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे तो। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये शो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें, ज़रूर करना है, अभी लाइक करें, ठीक है। और जल्दी मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, बी हैप्पी।